हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन 6 रोज़ का डिज़ाइन है। वही 6 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 16 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस एज स्टिच 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 16 प्लस 2। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, जेंट स्वेटर, कार्डिगन, बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक, लेडीज जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। इसमें मैंने 16 का मल्टीपल करके 32 प्लस 2 एज स्टिच कर लिया है। टोटल 34 फंदा डाला है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। अब 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब 1 फंदा सीधा, अब यहाँ जाली डालना है इस तरह से। अब फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर से जाली डालना है इस तरह से। 1 फंदा सीधा, अभी 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। इस तरह से स्लिप करेंगे पहले तो, पीछे की साइड से 2 का 1 करेंगे। अब 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। अब यही रिपीट करना है आपको। 1 फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 4 फंदा सीधा, 2 4, 2 का 1 करना है आगे की साइड से। फिर 1 फंदा सीधा, यार्न ओवर, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, यार्न ओवर, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1 करना है पीछे की साइड से, फिर 4 फंदा सीधा, 2 4। आपको ये रिपीट करना है बार बार। कितना बार रिपीट करना है? फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। यहाँ से 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। अभी 2 का 1 करना है आगे की साइड से। अब 1 फंदा सीधा, अब यहाँ जाली डालना है इस तरह से। 2 फंदा सीधा, फिर से जाली डालना है इस तरह से। 1 फंदा सीधा, अब 2 फंदे से स्लिप करेंगे पीछे की साइड से, 2 का 1 करेंगे। फिर अब 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। यहाँ तक आपको एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट का एज स्टिच सीधा। सेकेंड रो, 1 फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब इस 2 फंदों को से स्लिप करेंगे, फिर इस 2 फंदों को पीछे की साइड से इस तरह से आपको 2 का 1 करेंगे। पीछे की साइड से नीडल डालना है इस तरह से, फिर 2 का 1 इस तरह से करेंगे। और फिर 1 फंदा उल्टा, अब यहाँ जाली डालना है इस तरह से, उल्टे की तरफ से जाली डालना है। अब 4 फंदा उल्टा, यहाँ ऊपर को इस तरह से उल्टा बुनना है, 1 2 3 4। फिर यहाँ जाली डालना है इस तरह से, उल्टे की तरफ से, फिर 1 फंदा उल्टा। अब इस 2 का 1 करेंगे उल्टे की साइड से इस तरह से। और फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब यही रिपीट करना है आपको। 1 फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 2 का 1 करना है उल्टे की साइड से, फिर 1 फंदा उल्टा, यार्न ओवर, फिर 4 फंदा उल्टा, 2 4, फिर यार्न ओवर, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 करेंगे उल्टे की साइड से, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। आपको ये रिपीट करना है बार बार। कितना बार रिपीट करना है? फिर से रिपीट करेंगे यहाँ से 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब इस 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, इस 2 फंदों को पीछे की साइड से नीडल डालना है इस तरह से पीछे की साइड से डालना है, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और फिर 1 फंदा उल्टा, जाली डालना है इस तरह से उल्टे की साइड से। अब 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर से जाली डालना है इस तरह से। अब 1 फंदा उल्टा,
अब ये दो का एक करेंगे उल्टे की तरह साइड से। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट का एज स्टिच उल्टा, थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, दो फंदा सीधा, एक दो। अब ये दो का एक करेंगे आगे की साइड से इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ जाली डालेंगे इस तरह से। अब छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ। अब यहाँ फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और दो फंदे से स्लिप करेंगे, पीछे की साइड से दो काई करेंगे फिर, और फिर दो फंदा सीधा, फिर एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो काई करना है आगे की साइड से, एक फंदा सीधा यार्न ओवर, फिर छः फंदा सीधा, दो चार छः यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर दो काई करना है पीछे की साइड से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। आपको यही रिपीट करना है बार बार, कितना बार रिपीट करना है, फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। यहाँ से दो फंदा सीधा, एक दो, और दो का एक करना है आगे की साइड से इस तरह से, और फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ जाली डालना है इस तरह से। अब छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से जाली डालना है इस तरह से, एक फंदा सीधा और दो फंदे से स्लिप करना है पीछे की साइड से, दो काई करेंगे। अब दो फंदा सीधा, एक दो। एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट का एज स्टिच सीधा, थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, एक फंदा उल्टा और दो फंदे से स्लिप करेंगे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है, नीडल पीछे से डालना है इस तरह से, पीछे से इस तरह से डाल के आपको दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे की साइड से, और फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ जाली डालना है उल्टे की साइड से, फिर आठ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर से जाली डालना है इस तरह से, एक फंदा उल्टा, और फिर दो का एक करेंगे उल्टे की साइड से इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा। अब यही रिपीट करना है आपको, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, दो का एक करना है आगे की उल्टे की तरफ से, फिर एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, फिर आठ फंदा उल्टा, दो चार छः सात आठ, फिर यार्न ओवर, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक करना है उल्टी की साइड से, फिर एक फंदा उल्टा। आपको यही रिपीट करना है बार बार, कितना बार रिपीट करना है आपको रिपीट करते जाना है। फिर से इन्हीं फंदों को यहाँ से रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा और फिर दो फंदे से स्लिप करेंगे, फिर इस दो का एक करना है, नीडल पीछे से डालना है इस तरह से, दो का एक करना है इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ जाली डालना है इस तरह से। अब आठ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर से जाली डालना है इस तरह से, एक फंदा उल्टा। अभी दो का एक करना है उल्टे की तरफ साइड से, फिर एक फंदा उल्टा। यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट का एज स्टिच भी उल्टा। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, अब इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब एक फंदा सीधा, अब यहाँ जाली डालना है इस तरह से। अब दस फंदा सीधा, फिर एक दो तीन चार पाँच पाँच छ सात आठ नौ
दस, फिर से यहाँ जाली डालना है इस तरह से, एक फंदा सीधा और दो फंदे से स्लिप करेंगे पीछे की साइड से, दो का ही करना है। अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, एक फंदा सीधा यान ऊपर, फिर दस फंदा सीधा, दो चार छ आठ नौ दस, फिर यान ऊपर, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है बार बार, कितना बार रिपीट करना है आपको, फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। यहाँ से दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, और फिर यहाँ एक फंदा सीधा, अब यहाँ जाली डालना है इस तरह से, अब दस फंदा सीधा, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर से जाली डालना है इस तरह से, एक फंदा सीधा और दो फंदे से स्लिप करना है पीछे की साइड से, दो का एक करना है, फिर लास्ट का एज स्टिच सीधा। सिक्स रो, सिक्स रो पूरी सलाह आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो पूरी सलाह आपको उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन सिक्स रो का डिजाइन है, सिक्स रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। आपको रिपीट करते जाना है वन टू सिक्स रो। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करना है, देन रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। आपको रिपीट करना है वन टू सिक्स रो। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।